सो हेलो गाइस, कैसे हो? फिर से मैं आ चुका हूँ गाइस इस चैनल पे और एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। गाइस आज मैं बताऊंगा एक ही व्हाट्सअप दो अलग अलग फोन के अंदर कैसे यूज कर सकते हो, मतलब एक ही नंबर के अंदर दो फोन के अंदर सेम व्हाट्सअप को चलाना चाहते हो तो आज की इस वीडियो कंप्लीट देखना गाइस। आज की इस वीडियो में ऐसे एक ट्रिक बताऊंगा गाइस जिसको अप्लाई करके गाइस आप एक ही व्हाट्सअप दो अलग अलग फोन के अंदर यूज कर सकते हो गाइस। सो वीडियो ध्यान से देखना है गाइस, अगर आप एक ही व्हाट्सअप दो अलग अलग फोन के अंदर चलाना चाहते हो गाइस। सो एक ही व्हाट्सअप दो अलग अलग फोन के अंदर चलाना चाहते हो तो सबसे पहले जिस व्हाट्सअप दूसरे फोन के अंदर चलाना चाहते हो उस फोन की व्हाट्सअप को सबसे पहले आपको ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद आपके फोन के अंदर कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल के आ जाएगा। सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, ऊपर में थ्री लाइन पे क्लिक कर देना गाइस। सो मेरी व्हाट्सअप लेटेस्ट है, जिस वजह से प्रोफाइल का आइकन शो हो रहा है तो आपके फोन के अंदर थ्री लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, थ्री लाइन पे क्लिक कर देना गाइस। मैं नॉर्मली प्रोफाइल को यहां से चूज कर लेता हूं। सो थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद उसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा लिंक या डिवाइस गाइस, कुछ इस तरह से गाइस। आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। सॉरी गाइस, मैं कहां पर क्लिक कर दिया, ऊपर में लिंक या डिवाइस मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इसके अंदर एक ऑप्शन मिलता है लिंक या डिवाइस, आपको इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने बाद गाइस उस फोन के अंदर कुछ इस तरह से क्यूआर स्कैनिंग देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी सेकंड फोन के अंदर प्ले स्टोर से व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, उस व्हाट्सएप को ओपन कर लेना। उसके सबसे पहले लैंग्वेज देखने के लिए मिल जाएगा, लैंग्वेज को सिलेक्ट कर देना, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। क्लिक करने बाद गाइस आपके फोन के अंदर ऐसे मोबाइल नंबर देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। आपको मोबाइल नंबर डालना नहीं है गाइस, आपको क्या करना है, ऊपर में थ्री लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा कुछ ऐसे, आपको थ्री लाइन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने बाद सबसे ऊपर में लिंक एज का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने बाद गाइस उस फोन के अंदर कुछ इस तरह से क्यूआर कोड देखने के लिए मिल जाएगा गाइस कुछ ऐसे गाइस। इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी सेकंड फोन के अंदर जो स्कैनर मिलता है वही वाली स्कैनर को देखकर गाइस ये वाली क्यूआर कोड को कुछ इस तरह से आपको स्कैन कर लेना। स्कैन करने के बाद कुछ इस तरह से लॉगिन देखने के लिए मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेना। थोड़ा सा वेट करने के बाद दूसरे फोन के अंदर गाइस उस फोन की एंड्रॉइड वर्सन देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इस फोन के अंदर अभी लाइव देखो गाइस, उस फोन का जो भी चेहरा है गाइस दूसरे फोन के अंदर कुछ ऐसे लॉगिन हो चुका है गाइस, लाइव प्रूफ देखो गाइस। सो कुछ इस तरह से गाइस एक ही व्हाट्सएप दो अलग अलग फोन के अंदर यूज कर सकते हो, वो भी बिना किसी व्हाट्सएप वेब के गाइस। ऑफिशियल व्हाट्सएप के अंदर ऐसे चीज कर पाओगे गाइस।